दोस्तों बहुत ही दुखद घटना बिहार के सुपौल जिले से आ रही है। सुपौल जिले में बारातियों के साथ हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। सुपौल की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बारातियों में आए युवक ने उत्पात मचाया और वहाँ भी गोली चलने से एक डांसर की मौत हो चुकी थी। तो ठीक उसी तरह ये दूसरी घटना हुई है और ये एक महीने के अंदर में ही ये घटना हुई है, जो बलहा वार्ड नंबर 10 में सोमवार की रात, ये जो अभी पीछे सोमवार गई है, इसी सोमवार की रात एक बाराती आई और उस बाराती में डांस करने को लेकर बवाल हुआ, डांस किया गया। उसके बाद जो एक युवक है बारात में, जो आया हुआ युवक था, डांस करते करते उसने चाकू लहराना शुरू कर दिया और चाकू लहराते लहराते हुआ ये कि गांव के ही एक निवासी को सिर में चाकू लग गई और चाकू लगने से फिर उसके बाद बाराती और गांव वालों में, दोनों पक्षों में मारपीट भी होने लगी। इतने में मारपीट होते होते एक युवक जिसका नाम ललन मुखिया है, उसको उस युवक ने, बारात में जो आए युवक थे जिसने चाकू लहराया था, उस ललन मुखिया को बुरी तरह से जख्मी कर दिया चाकू मारकर। और ये ललन मुखिया की उम्र 22 साल और मुनेश्वर मुखिया का ये पुत्र है, जिसकी इलाज के दौरान मंगलवार को शाम उसकी मौत हो गई। बारात कड़ीहो गांव से बलहा के वार्ड नंबर 10 आई थी। ग्रामीणों का कहना है कि युवक नशे में थे, दारू पीकर डांस कर रहे थे, हालांकि बिहार में दारू बैन है, फिर भी डांस कर रहे थे और चाकू लहराने लगा, जिसके बाद एक व्यक्ति को चाकू लग गया और इसी में आनाबनी हुई और गांव वालों में और बारातियों में मारपीट शुरू हुई और इसको लेकर ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोशित भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जो लड़का जिसने चाकू मारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश ने इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, FIR दर्ज कर लिया है। उसके घर वाले के कहने के अनुसार अगर बात की जाए तो उनके घर वालों का कहना है कि ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले बारात में गोली लगी थी, ठीक उसी तरह मेरे बेटे को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये काफ़ी दुखद है। इसको लेकर जो है कानून को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तो घर वालों के घर में मातम, मुनेश्वर मुखिया का पुत्र था तो उसके घर में मातम है और सन्नाटा पसरा हुआ है। ललन मुखिया, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी और अब जो है पुलिस जांच में जुटी है और जल्द से जल्द उस व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसको सज़ा भी दिलाने का प्रयास जो वो कर रही है। तो इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए और अपने आसपास इस तरह की घटना ना हो, इसको लेकर हमें और आपको भी सजग रहना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।